आगे नेक्स्ट कल अपना हुआ था डेढ़ घंटे का सेशन था सर डेढ़ घंटे का। आगे आज देखते हैं। हाँ देखिए, मैंने आपको आइडियल गैस का प्रेशर करवा दिया, मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन में सारे लॉज करवा दिए और आइडियल गैस इक्वेशन बता दिए। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं एनर्जी ऑफ एनर्जी। आइडियल गैस के अंदर कितनी एनर्जी, एनर्जी आइडियल अगर आइडियल गैस की एनर्जी की बात करें तो एक चीज देखो, आपका प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया है, वन बाय कितना आया था थ्री रो RMS वेलोसिटी क्या है। हेलो, वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा क्योंकि माइक्रोफोन नहीं लगाया हुआ था, तो एनर्जी वाला आपको शायद बोल लो साउंड में मिलेगा, बट मिलेगा। आगे देखो RMS वेलोसिटी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, इसके अंदर अगर बात करें तो आपका क्या होगा। देखो आप यहाँ तक आपने कर लिया, एक बार इस स्टेप को देखो, आप इस स्टेप को हाफ एम सी आर एम एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका थ्री बाय टू पी वी। अच्छा, अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो हाफ एम सी आर एम एस की होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री बाई टू एन आर टी। अब सी आर एम एस क्या आ गया यहां से, अंडर रूट थ्री एन आर टी बाई में। अब आप एक चीज देखो, यहां पर
देखो अगर मैं n का मान 1 लूं तो आपका गैस का मोलिकुलर मास जो होगा वही गैस का टोटल मास m हो जाएगा, है ना। तो n अगर मैं 1 ले लूं तो फॉर्मूला बन जाएगा 3RT/m। अगर मैं n 2 ले लूं तो गैस का मास भी है वो मोलिकुलर मास का कितना हो जाएगा, दुगना, क्योंकि 2 मोल में 2 मोलिक्यूलर मास हो गए। जैसे नाइट्रोजन है उसका 1 मोल लूँ तो उसका मास कितना होगा, 28। 2 मोल लूँ तो 28 28 दो बार आ जाएंगे N2 के, यानी 56। अब यहाँ भी कितना मास हो जाएगा, 2m। अगर मैं यहाँ कितना लूँ, 2 मोल, तो 2 से 2 कैंसिल, वापस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3RT/m में। तो ये जैसे जैसे ये मोलिकुलर मास है ये बढ़, मतलब देखो ये मोलिकुलर मास नहीं था, ये गैस का टोटल मास था। बट अगर 1 मोल लेते हैं तो गैस का टोटल मास उसी मोलिकुलर मास के बराबर होता है। 1 मोल गैस का मोलिकुलर मास मान लो हाइड्रोजन है, उसके 1 मोल में कितना वजन होगा, 28 ग्राम। तो अगर मैं 1 मोल लूँ तो यहाँ मोलिकुलर मास आ जाएगा 28 ग्राम। अगर मैं 2 मोल लूँ तो यहाँ 2m मास आ जाएगा 56। तो ये n और m का जो कोफिशियंट है ये आपस में कैंसिल होते रहेंगे, ठीक है। और जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो हमेशा ही यही बनेगा, CRMS=√3RT/m। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू गॉट इट क्लियर। ठीक है, ये आपका क्या है, लोगे ना, ठीक। और बोलो, RMS वेलोसिटी भी हो गया आपका और आपकी हो गई एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ये आपके टॉपिक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। हेलो, नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको एनर्जी बता दी, मैंने आपको RMS वैल्यू ऑफ बता दी। अच्छा, RMS वैल्यू के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था √3RT/m। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, उसमें मैं ये भी बोल सकता हूँ कि C=√3KT/m। अच्छा, यहाँ R की जगह अगर K आ जाए ना तो यहाँ मोलिकुलर मास की जगह एक मोलिक्यूल का मास आ जाएगा, क्योंकि K मोलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, मोलिक्यूल्स पे, और R मोल्स पे। तो अगर मोलिक्यूल्स है तो मोलिक्यूल का मास आ जाएगा, और अगर R है तो मोल्स का मास यानी मोलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्लियर। आगे अब देखो, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस। देखो वैसे ये टॉपिक नहीं है, बीच में टॉपिक सोर है, बट अब मुझे याद नहीं, मैं यही कर दूंगा। ठीक, देखो नेक्स्ट आपका है क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस, और ये बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसका एक नाम भी और है, इसका एक नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब सुनो मेरी बात, मीन क्या हुआ, मीन ये हुआ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी गैस है, देखो ठीक है, उसको गैसीय फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा जगह घेरती है, ठीक है। और अपन को अगर रियल लाइफ में गैसेस का यूज़ करना है अच्छे तरीके से तो हमें उनको लिक्विफाई करना पड़ता है, इवन कभी कभी तो हमें गैस को सोलिडिफाई भी करना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सॉलिड फॉर्म में भी बहुत जगह काम में लेते हैं, बट लिक्विफाई तो हमें बहुत एरियाज के अंदर करना पड़ता है। अब आप ये सुनो, अगर आप गैसेस को लिक्विफाई करना चाहते हो तो उनको लिक्विफाई दो तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है। एक तो हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते हैं, अगर उनको आप दूर दूर की बजाय उनको बाहर से प्रेशर अप्लाई करके अगर उनको बाहर से प्रेशर अप्लाई करके अगर पास पास ले आओगे
तो उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे तो जो स्टेट है वो गैसियस स्टेट से चेंज होके कौन सी स्टेट बन जाएगी, लिक्विड स्टेट बन जाएगी। क्लियर है? गैसियस स्टेट से कन्वर्ट होके कौन सी स्टेट बन जाएगी, लिक्विड स्टेट बन जाएगी। अच्छा, एक आपका क्या होता है, एक आपका ये होता है कि आप गैसेस को एडायबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन मेथड, ये भी एक मेथड है, इससे भी आप गैसेस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हैं, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, गैसेस की जो एनर्जी होती है ना मूव करने की वो हो, और ये जो मेथड है ये तो इवन सेफ मेथड भी है, और इस मेथड से तो आप गैसेस को इवन सोलिफाई भी कर सकते हो कभी, और अपने आप हो जाती है वो सोलिफाई, आप लिक्विफाई करने की कोशिश करते हो लेकिन गैस है वो इस मेथड से काफ़ी कभी कभी बार सोलिड में भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है, काफ़ी कम रिस्की है, बट मैकेनिकल प्रोसेस बहुत लंबा है इसका। ठीक है, इसके लिए आपको मैकेनिक्स मशीन्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है, और ये क्वाइट बेसिक मेथड है, इसमें आपको रबर पैड से प्रेशर लगाना पड़ता है, इट इज़ नॉट मच हार्ड। ठीक है, अब आप एक चीज़ सुनो, अगर आप इस मेथड की बात करते हो तो इसमें होता क्या है, चलो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप कभी भी नाक के बाहर निकलना, और अगर ठंडी हवा चल रही हो तो आप होगा क्या, आपको ठंडी लगेगी। ठीक है, आप एक तो नॉर्मल हवा में खड़े हो, और एक आप ठंडे पानी से नहाके और फिर ठंडी हवा में खड़े हो, आपको ठंडे पानी से नहाके बाद में अगर ठंडी हवा में खड़े होगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी सर्दी लगेगी। ठीक है, और इसके अलावा इसका दूसरा एग्जांपल और भी बता सकता हूँ मैं, बट चलो सुनो। अच्छा, असल में होता क्या है, जब आप ठंडे पानी से नहाके बाहर आते हो तो आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपका जो मतलब बॉडी का हीट है वो लेके और वेपोराइज हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी है वो ठंडी हो जाती है और आपको ठंडी लगती है। एक ये फिनोमिना है, बस यही सा फिनोमिना, ऐसा सा कुछ फिनोमिना यहाँ पे वर्क करता है। यहाँ पर कैसे वर्क करता है, यहाँ पर होता क्या है, एडायबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन में हम जो गैस होती है ना उस पर दोनों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम लोग क्या करते हैं, पहले तो गैस को मैग्नेटाइज करते हैं और फिर उसको बहुत ज़्यादा डीमैग्नेटाइज करते हैं। जब डीमैग्नेटाइज करते हैं ना तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी खींच के ले जाता है, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम हो गई तो अब ये उतना मूव नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल्स है ये पेंदे में बैठ जाएगा शांत होके एकदम। ठीक है, और ये सारे मॉलिक्यूल्स है ये नीचे गिरते जाएंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल्स सब पेंदे में बैठ जाएगा तो ये थोड़ी बहुत एनर्जी इससे लेगा, इसकी कम हो जाएगी, फिर इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये भी बैठ जाएगा नीचे, और इस मेथड से कई बार गैसेज है वो जम तक जाती है। अब ये वाला मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है, मैंने तो चलो बता दिया क्योंकि आगे आप जब BSc थर्ड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो वहाँ ये मेथड है। ठीक है, इसको जूल टॉम्सन मेथड भी बोलते हैं, ये है वहाँ पे, बट अभी ये आपके नहीं है। ठीक है, आपके कौन सा मेथड है, आपके ये मेथड है लिक्विफिकेशन प्रेशर लगा के गैसेस को। ठीक है, अच्छा, एक जब सर्टेन प्रेशर सर्टेन वॉल्यूम सर्टेन टेम्परेचर पे कोई गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है, अपनी गैसियस स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में आ जाती है, तो उस कंडीशन में आपकी जो गैस है वो जिस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होते हैं उसको बोलते हैं TC, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। वो जिस प्रेशर को लगाने पर लिक्विफाई होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और वो जिस वॉल्यूम पर लिक्विफाई होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तीनों हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विफाई होती है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस वॉल्यूम पे लिक्विफाई होती है उसको क्रिटिकल वॉल्यूम, और जिस प्रेशर पे लिक्विफाई होती है उसको क्रिटिकल प्रेशर।
तो हम अभी जो पढ़ेंगे ना वो यही पढ़ेंगे। अगला जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ गैसेस, गैस के क्रिटिकल कांस्टेंट। हम ये निकालेंगे कि जब कोई गैस लिक्विफाई होती है तो उसके पीसी की वैल्यू कितनी होती है, उसके वीसी की वैल्यू कितनी होती है, उसके टीसी की वैल्यू कितनी होती है। कर लोगे? ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर आपको गैसेस को लिक्विफाई करना है तो आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती, आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती, लिक्विफाई हो सकती है हमेशा रियल गैस। ठीक है, और रियल गैस कौन सी होती है? रियल गैस ऐसी होती है जिसका बिहेवियर आइडियल गैस के इक्वल ना हो, और आइडियल गैस के इक्वल बिहेवियर ना हो इसका सीधा सा मतलब हुआ ऐसी गैस जो मैक्सवेल के केटीजी के एजम्पशंस को फॉलो नहीं करती हो। तो देखो अब फ्लो क्या रहेगा, फ्लो ये रहेगा कि मैं आपको डायरेक्ट क्रिटिकल कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं करा सकता। डायरेक्ट अगर क्रिटिकल कांस्टेंट का डेरिवेशन करवा दिया तो उसके बाद चैप्टर ही खत्म है, कोई मतलब ही नहीं रहा चैप्टर का। मैंने आपको यहाँ से सिर्फ एक गाइडलाइन दी है कि गैसेज हैं उनको लिक्विफाई कर सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया है कि गैसेज लिक्विफाई सिर्फ रियल गैस को कर सकते हैं, आइडियल गैस को तो लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस का तो नेचर ही है जिगजैग मोशन करना, अगर मॉलिक्यूल्स पेंदे में बैठ जाएंगे तो वो आइडियल गैस हो ही नहीं सकती। ठीक है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का भार ही नहीं होता तो वो नीचे बैठ ही नहीं सकते, उन पर तो ग्रेविटी लगती नहीं। तो ये सारी चीज़ें रियल गैस में होती है, और रियल गैस क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर मैं रियल गैस बताऊँगा आपको, फिर मैं रियल गैस बताने के बाद आपको ये बताऊँगा कि रियल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन तो आपने पढ़ ली, लेकिन अब रियल गैस इक्वेशन हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रियल गैस इक्वेशन को करने के बाद वांडरवाल का क्या रोल है वो बताऊंगा मैं आपको, भी रियल गैस है वो आइडियल गैस से अलग कैसे है, किन किन टर्म्स में अलग है, कैसे अलग है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा क्रिटिकल कॉन्स्टेंट लिक्विफिकेशन ऑफ रियल गैस। तो काफ़ी लंबा चलेगा ये चैप्टर, काफ़ी लंबा है वैसे देखा जाए तो, बट ये देखो वीडियोज़ काफ़ी छोटे बनेंगे इसके। जैसे आप अगर देखोगे तो जो एनर्जी वाला वीडियो वो 3 मिनट का है पूरा, और जो आरएमएस वैल्यू वाला वीडियो है वो भी 3 मिनट का है, और 10 मिनट का ये है। ठीक है, तो 10, 3, 13, 16 मिनट में आपका ये तीनों टॉपिक खत्म हो गए। ठीक है, हाँ, बट क्रिटिकल वाला टॉपिक है ना वो आपका 1 घंटा ले लेगा, और उससे पहले वो रियल गैस वगैरह वाला डेरिवेशन है वो भी पूरा ले लेगा। तो थोड़ा सा ढंग से देखना इसको, ये अभी एंड करते हैं क्योंकि फिर वो पूरा टाइम लगेगा।